फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग डीटीएच बॉक्स को अगर मॉनिटर से देखना चाहे तो कैसे देखेंगे। इसका सिंपल सा जवाब है कि टीवी ट्यूनर कार्ड लगाना होगा। टीवी ट्यूनर कार्ड एक तो कॉस्टली है, और दूसरा क्या है कि उसमें जब उसको ऑन करने जाते हैं तो ऑफ रहता है, फिर उसका स्विच आपको ऑन करना होगा, तब यह करता है काम। उसमें थोड़ा झंझट है, इजी नहीं है। ऐसा होना चाहिए स्विच ऑन किए डायरेक्ट ऑन हो जाए। तो इसके लिए सॉल्यूशन में एक आता है आपको VGA, HDMI टू VGA केबल, ये काम नहीं करता है आपको, एकदम 100% काम नहीं करता है। एक दूसरा आता है इस टाइप का VGA टू HDMI कन्वर्टर, तो अब ये काम करता है कि नहीं करता है। आता है तो ये टीवी में तो इजीली करता है काम, लेकिन जब मॉनिटर से अटैच करते हैं तो काम नहीं करता है। तो हमने सोचा कि इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने ईबे पर गया और ईबे से ये परचेज किया। इसका प्राइस आपको देखिए यहाँ पर 199, 199 से ये मिलना स्टार्ट हो जाता है। 227 भी है, 230 भी है, ठीक है, सब मिलना हो जाता है शुरू। अब इसके साइट पर जाके हम इसके जब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ठीक से लिखा हुआ है, डज नॉट वर्क विथ HD सेटअप बॉक्स। ये कंपनी और ये साइट, ये सेलर ही बोल रहा है कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये सेटअप बॉक्स के साथ काम नहीं करेगा। तो क्या हम लोग मान लें कि ये सेटअप बॉक्स के साथ काम नहीं करेगा? तो हमने इस पर रिसर्च किया और देखा कि YouTube में भी वीडियो है, कुछ लोगों का काम कर रहा है, कुछ लोगों का नहीं कर रहा है। आप जब खरीदेंगे तो 100% काम नहीं करेगा, तो इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही आसान वीडियो इस पर दे रहा हूँ आपको, इसको देखिए, बहुत इजी ढंग से हो जाएगा और 100% काम करेगा, ठीक है। तो करना क्या है, तो चलिए मॉनिटर की तरफ सेटअप करते हैं सबका और फिर देखते हैं। हाँ तो आइए भाई लोग, आज हम शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें हम लोग HDMI टू VGA कन्वर्टर से हम लोग मॉनिटर में सेटअप बॉक्स को ज्वाइन करके हम लोग इसका पिक्चर देखेंगे, ठीक है। देखिए ये है HDMI, ये पोर्ट होता है HDMI, HDMI टू VGA कन्वर्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से होता है ऑडियो के लिए ज्वाइंट, ठीक है, बोल है ही आपको, ऑडियो निकलेगा यहाँ से। और HDMI में एक्चुअल में होता है इसमें कि आपको वीडियो और ऑडियो का सिग्नल आता है दोनों, लेकिन चूंकि हमारा मॉनिटर है इसमें स्पीकर तो है नहीं, इसके लिए ऑडियो हमको यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए मॉनिटर की तरफ, मॉनिटर में देखिए सिर्फ यहाँ पर एक VGA इन है, ठीक है, मॉनिटर हो गया। उसके बाद ये हमारा सॉलिड का 6141 हो गया, सेटअप बॉक्स हो गया, और ये हो गया साउंड सिस्टम हो गया। साउंड सिस्टम में आपको यहाँ पर साउंड इन करना है, इसमें इन करना है, ठीक है। और इसके ज्वाइंट के लिए हमको ये वाला केबल जो आता है ना, VGA केबल, मेल टू मेल ये चाहिए। तो चलिए हम सबको पहले करते हैं ज्वाइंट, उसके बाद आपसे हम करते हैं बात। और ये ऑडियो केबल होगा जो इसी के साथ आता है, ठीक है। तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके, कनेक्शन हो गया है टोटल। अब आइए हम इसको स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। पहले आइए रिसीवर में, रिसीवर में देखिए डिस्क का वायर हो गया, इन हो गया, यहाँ पर HDMI इन हो गया, HDMI पोर्ट में लग गया। उसके बाद पावर केबल लग गया यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद इस HDMI का देखिए यहाँ पर ऑडियो आउट आउट हुआ, ये जा करके सिस्टम में इन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर VGA केबल लग गया और ये टीवी के पीछे कंप्यूटर के मॉनिटर के पीछे जा करके लग गया, ठीक है। इतना ही करना है, उसके बाद हम ऑन करते हैं। लोडिंग हो रहा है, आ गया। ठीक है, अब इस वीडियो की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप जब खरीदेंगे तो ये काम नहीं करेगा 100%। इसमें कुछ सेटिंग सेटिंग करना होगा। सेटिंग क्या करना है वो आपको बता रहे हैं। मेनू खोलेंगे, मेनू से जाएंगे सिस्टम सेटअप में, सिस्टम सेटअप से वीडियो सेटअप में, ठीक है। नज़दीक से दिखा रहे हैं आपको, वीडियो सेटअप सेटअप को खोलेंगे। उसके बाद इसको करेंगे फुल स्क्रीन ही रहेगा, वीडियो आउटपुट यही रहेगा। वीडियो रेजुलेशन में हमको सेट करना है, ऑप्शन बहुत कुछ है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें दो चीज़ है, 480p 60, याद रखिएगा 480p 60, एक काम करेगा इस पर और दूसरा काम करेगा 720p 60। इसके अलावा दूसरा कोई भी रिजोल्यूशन कीजिएगा तो नहीं काम करेगा। नया में चूंकि जब आपका रिसीवर आता है ऑटो पर रहता है, ऑटो पर यह काम नहीं करेगा। इसके लिए करना होगा क्या कि इस रिसीवर को आपको किसी टीवी से अटैच करके आपको सेटिंग करना होगा। सबसे अच्छा है 720p पर कर लीजिएगा सेट, यहाँ ओके कीजिएगा। देखिए आ गया, उसके बाद एग्जिट कीजिए यहाँ से, उसके बाद काम आपका करने लगा। अगर ये थोड़ा पिक्चर का साइज अगर छोटा होगा तो मॉनिटर में एक होता है ऑटो सेटअप का, यहाँ पर ऑटो सेटअप इसको कर दीजिएगा, पूरा पूरा पिक्चर आ जाएगा स्क्रीन पे। देखिए हम फिर से इसको कर रहे हैं ऑटो। देखिए हो गया, इसमें यही ट्रिक है, इसको किसी टीवी से पहले आपको रिसीवर को सेट करना होगा तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।